और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। आकाशवाणी पर अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड होगा और आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। खबर ईरान से आ रही है जहां पर दक्षिण पूर्व इलाके के गोहर कोह शहर में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में ईरान के 10 सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गए और ईरान में आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा अधिकारियों ने अधिकारियों की तस्वीर भी जारी की गई है। आपको बता दें कि ईरान के गोहर गोह में ये हमला हुआ और 10 सुरक्षा अधिकारी इस हमले में शहीद हो गए और इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के जवान लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसी दौरान आईडीएफ के जवान हिजबुल्ला के एक टनल में दाखिल हुए जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के मोबाइल लॉन्चर और रॉकेट और हथियार बरामद किए हैं जिसमें 160 रेडी टू फायर रॉकेट भी शामिल है और इसराइल की सेना का यह कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ सात की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।